बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि हमारे एफएससी में नंबर बहुत कम है, 700-800 नंबर है, क्या हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो शेयर करूंगा, कुछ प्रोग्राम्स बताऊंगा जिनमें आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा अगर आपके एफएससी में कम नंबर है तो। अब वो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं उसके हवाले से भी आपको गाइड करूंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तार लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, बात करें आपके पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बी एस में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, एल एल बी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं और उसके अलावा डी फार्मेसी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। 25% वेटर जो है वो आपके जो एडमिशन टेस्ट होगा उसकी ली जाएगी। कोशिश करें आप एडमिट टेस्ट को, जो आपका एडमिशन टेस्ट है उसको अच्छे तरीके से तैयार करें और उसमें ज्यादा से ज्यादा 80+ स्कोर हासिल करें ताकि एडमिशन आपका किसी अच्छे डिपार्टमेंट में, किसी अच्छे प्रोग्राम में हो जाए। लेकिन अगर आपके एफएससी में कम नंबर है तब आपका एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में किन किन डिपार्टमेंट्स में हो सकता है उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। सोर्स अगर हम बात करें बी एस साइंस एजुकेशन, इसका मेरिट काफी लो होता है, इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपके 700-800 नंबर है एफएससी में। उसके बाद बीएस बिजनेस एजुकेशन, इसका मेरिट भी काफी हद तक लो होता है, इसमें भी आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स बीएस इस्लामिक स्टडीज, इसमें भी आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। इसके अलावा स्टूडेंट्स बीएस साइकोलॉजी, इसमें भी एडमिशन आपका इजीली हो जाएगा, अगर आपके नंबर कम है तो स्टूडेंट्स आपका एडमिशन इसमें भी हो जाएगा इजीली। इन तमाम प्रोग्राम्स में जो है वो कम नंबरों वालों का भी जो एडमिशन है वो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप जो स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हैं इन प्रोग्राम्स में से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। आपके पास अभी टाइम मौजूद है, फिलहाल आपने एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। एडमिशन टेस्ट को आप क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उसके लिए आपने बाद में अप्लाई करना होगा। पहले आप एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर लें, उसको अच्छे तरीके से पास कर लें अच्छे नंबरों के साथ, उसके बाद इंशाल्लाह जब डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके हवाले से स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपसे अपडेट शेयर करनी थी, काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो इंशाल्लाह इसी तरह के मजीद अहम अपडेट्स लेके आपसे इसी चैनल पर हाजिर होते रहेंगे। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।